रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग झड़प पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहेंगे। आईबी रॉ और एनएसए भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, बैठक बुलाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से तवांग झड़प को लेकर के। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर अपडेट देने के लिए। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रिपोर्ट लेंगे तवांग में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर? बिल्कुल, आज एक्सपेक्ट कीजिए कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को सदन में बयान देना पड़े, और एज ए मैटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तीनों सेनाओं के चीफ आईबी रॉ एनएसए और साथ ही जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन तीन सभी के साथ में मुलाकात करके लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर वो सदन को अप्राइज करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और हमारी कितनी क्षमता है। ये बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल ले चुका है ये पूरा एलएसी टसल, और उसके बाद में देश में सदन में बहुत ज़्यादा इस पर आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि मूवमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बाकी अपोजिशन पार्टीज सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार के बचाव में क्या कुछ कहेंगे उसके लिए उन्हें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए, और इसीलिए वो तीनों सेनाओं के चीफ CDS IB रॉ और NSA के साथ में लेटेस्ट अपडेट लेके सदन को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ हुआ और हमारे अंदर कितनी क्षमता है और उसके बाद में आगे क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आशीष, ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमें दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक की कॉल दी है और इसमें आईबी और रॉ के चीफ भी मौजूद होंगे, तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद होंगे, यानी पूरी अपडेट दी जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कि इस झड़प के दौरान क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ।